भाई अभी तो बंदे ने एंट्री मारी है बॉलीवुड में, यानी कि अच्छे तरीके से एंट्री ही मारी है और बॉलीवुड में पूरी तरह से शोर मचना स्टार्ट हो गया है भाई। टाइगर थ्री फ्लॉप हो गई, इतने बड़े हीरो यानी सलमान खान की पिक्चर टाइगर थ्री फ्लॉप हो गई। वहीं पर उसके सामने अगर डंकी की बात करूं, डंकी का चर्चा भी नहीं था इतना ज्यादा, डंकी मूवी हिट हो गई। अगर उसके सामने हम बात करूं गदर की, तो गदर मान लो फ्लॉप तो नहीं हुई, लेकिन भाई उतना ज्यादा कमा भी नहीं पाया है जितनी उम्मीद किया था। आदिपुरुष से हमने बहुत उम्मीदें किया था, लेकिन आदिपुरुष जो है ऐसी बनी थी कि वो पूरी तरह से जमीन में घुस गई। प्रभास का स्टेटस वहीं से गिरा था, इसलिए सलार में भी शायद उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, ये चीज बहुत लेवल के। लेकिन हमें डंकी की अगर इधर बात की जाए, तो डंकी मूवी एक अच्छे लेवल पर चलने का इसका कारण यही है कि भाई डंकी मूवी में राजकुमार हिरानी जो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर दे चुके हैं, पहले भी दे चुके, लेकिन एक चीज इसमें कॉमन, डंकी मूवी अच्छी तो बनी है लेकिन इसमें जो राजकुमार हिरानी ने अपना रोल अदा किया, राजकुमार ने हिरानी भी पहले यानी कि कोई भी ऐसी मूवी यानी कि स्टोरी पर मूवी नहीं बनाया है कॉमेडी मूवी के लिए पूरी तरह, जैसे मुन्ना भाई MBBS यानी कि कई सारी अगर हिट पिक्चरों की हम उठा के देखें तो कॉमेडी पिक्चरें जो ज्यादा से ज्यादा है वो राजकुमार हिरानी की ही मिलेंगी। लेकिन फर्स्ट मूवी राजकुमार हिरानी ने ऐसी बनाई है जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित है। कुछ लोग कहेंगे डंकी का मतलब क्या होता है, गाइस जो आप लोग सोच रहे हैं डंकी का मतलब वो नहीं होता है। डंकी एक अच्छी मूवी, अच्छी एक संस्था, एक देश से दूसरे देश में बिना ज्यादा ट्रैवल्स करना डंकी का मतलब ये होता है। और डंकी मूवी एक अच्छे मुद्दे आप लोगों ने देखा होगा, तो डंकी मूवी का अभी तक शायद कुछ ही लोग हमें मिले हैं जो कि डंकी मूवी को बुरा बताने वाले हों, नहीं डंकी मूवी के लिए सब कोई एक तारीफजनक बात ही छोड़ते हैं। और देखो बंदे ने एंट्री अगर बॉलीवुड में मारी है, शाहरुख खान की अगर बात हम कर ही रहे हैं, तो शाहरुख खान पहले तो मान लो बॉलीवुड में कोई भी ऐसी मूवी नहीं दे रहे थे जिसमें कि भरपूर एक्शन हो, पूरी पूरी मूवी में एक्शन हो। वहीं पर हमें जैसे कि पीछे दो मूवियां दे दिए हैं, इनमें इतना भरपूर एक्शंस दे दिया है कि भाई जितना ज्यादा एक्शंस दिया है शाहरुख खान ने, एक्शंस के हिसाब से यार पिक्चर में हमें ग्रोथ उतना नेक्स्ट लेवल का देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन लेवल का ग्रोथ देखने को मिला और बहुत अच्छे हाईएस्ट लेवल तक ये मूवी जा रही है। और अच्छा भी हमें लगा, बहुत अच्छा हमें लगा कि एक अच्छे लेवल पर मूवी जा रही है शाहरुख खान के, जिसे अगर सिंपल भाषा में कहें तो गाइस बकरी के आवाज में करने के कई सारे दिखेंगे, ऐसे मीम्स भी कई सारे शाहरुख खान के वायरल हुए थे ये शॉर्ट पे तो। लेकिन शाहरुख खान की ये हमें बहुत अच्छी चीज लगी कि एक्शंस मूवी में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। 2023 में हमें तीन तीन मूवियाँ दिया और तीनों मूवियाँ एक से बढ़कर एक हिट हुई। हालांकि जो डंकी मूवी है उतना नहीं कमा पाएगी जितना वो पीछे दो मूवी कमाया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा कमा के देगी, इस चीज की गारंटी है। लेकिन उसके पीछे हम सलार की अगर बात करूं, तो सलार मूवी का जो एक ग्रोथ लेवल है, लेकिन आप लोग इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि सलार और डंकी फाला की कमा कितना लिया, तो हम सलार के पहले आपको इनकम बता देते हैं। सलार मूवी जो अभी तक कमाया है उसने अभी 420 करोड़ कमाया है। वहीं पर अगर हम डंकी की बात करता हूं, तो डंकी के पीछे देखो दोस्तों एक रीजन है, हम पहले बता दूं पठान जैसे रिलीज हुई थी जो एक्शन मूवी सबसे ज्यादा थी, उसने 2 दिन में कमाई किया था 128 करोड़, उसमें यानी कि 2 दिन में जो कमाई किया था, तो 26 यानी कि जो मूवी थी 26 तारीख को उसका हॉलीडे पड़ गया था, यानी कि छुट्टी पड़ गई थी, जो कि एक बहुत अच्छा था मौका उसके कमाने के लिए। और जब ये जवान रिलीज हुई तो जवान के सामने भी दूसरे दिन ही हॉलीडे पड़ा था, यानी छुट्टी पड़ी थी, तो उसमें दोनों मूवी की उछाल देखने को मिली थी। लेकिन जवान यहां पर थोड़ा पठान से पीछे थी, जवान जो कमाया था 120 करोड़ कमाया था, यानी 8 करोड़ कम थी, यानी 2 दिन का आंकड़ा सिर्फ हम बता रहे हैं। अगर हम डंकी की बात करूं 2 दिन में, तो 2 दिन में इसने इतना तो नहीं कमाया, लेकिन इसने 2 दिन में 100 करोड़ के आसपास, शायद वही रिपोर्ट की माने तो, प्रॉपर रिपोर्ट तो हमें नहीं मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमें रिपोर्ट मिली उसके हिसाब से 75 से 80 करोड़ के बीच में ये 2 दिन में छापा था। क्योंकि डंकी का जो एक लेवल है ये धीरे धीरे से ऊपर बढ़ा है,
अगर एकदम से बढ़ता, देखो हमें जैसे अगर बात कर रहा हूँ, पहले बात किया पठान की, तो पठान का जो ग्रोथ था एकदम से ऊपर बढ़ा था, इसलिए इन मूवियों ने थोड़ा अच्छा ग्रोथ किया था, लेकिन वहीं पर डंकी ने इतना अच्छा नहीं देखने को मिला। बस इसका मेन मुद्दा और मेन रीजन यही है। फिलहाल आप लोग इन दोनों तीनों मूवियों में से शाहरुख खान को क्या समझते क्या नहीं समझते, अच्छी ग्रोथ पर मूवी जा रही नहीं जा रही, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।